अस्सलाम वालेकुम भाई। आज अर्श भाई आए हैं नंदन कनन जू, उड़ीसा कटक में है ये जू। तो ये इंडिया का काफ़ी बड़ा जू है, मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है। मैं कोई गूगल करके नहीं बता रहा भाई, बट मुझे जहाँ तक पता है पहले नंबर का चेन्नई है और दूसरे नंबर का जू जो है वो नंदन कनन सबसे बड़ा जू है। तो अर्श सॉरी अर्श, आज कहाँ जा रहे हैं आप घूमने? निकाल के बोलो उसको, पीनट को। हाँ, जू जा रहे हैं। ओके, अर्श जा रहा है जू। तो अभी हमने जस्ट एंट्री किया है ये, आ जाओ अर्श कम। इसका एंट्री फी है 50 रुपये का, ठीक है। और बहुत बड़ा जू है भाई, इतना बड़ा है कि आपको मज़ा आ जाएगा जू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पूरा, मतलब अगर आप कम टाइम लेकर के आते हो तो आप इसको पूरा नहीं घूम पाओगे, आपको अच्छे खासे टाइम लेके आने पड़ेंगे पूरा जू घूमने के लिए। और दूसरी बात है, जो थोड़े से एज है जिनका, तो उनको तो भाई यहाँ पे अंदर में ना वो बैटरी कार होती है वो लेना पड़ेगा, इतना बड़ा है, ठीक है। आप अच्छा, यहाँ पे एक सिस्टम है, आप प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक का बैग, कोई भी बैग लेके अंदर नहीं जा सकते। अगर आपने लाया है तो आप उसको यहाँ पे डिपॉजिट करा दो, यू कैन नॉट टेक दिस इनसाइड, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, विंटर में बहुत क्राउड होता है। जैसे आप लोगों ने सुना कि अगर आप प्लास्टिक का बॉटल या प्लास्टिक का बैग लेके अंदर जाते हैं तो आपको 200 रुपये का फाइन लग जाएगा, ठीक है। और मैं बोलूँगा भाई, गर्मी के टाइम मत आना। मैं इससे पहले भी कई बार आया हूँ, तो गर्मी के टाइम पे आप अगर अंदर गए ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप घूम ही नहीं पाओगे। हम आए हैं, हमने 2 बार ऐसा गलती किया, गर्मी के टाइम पे आए थे हम, और विद इन मतलब 1 आवर हम वापस चले, 1 घंटे से भी ज़्यादा हम रह नहीं पाए। तो ये वेदर जो है ये सबसे बेस्ट वेदर है, ठंडे के टाइम पे अगर आप आते हो तो आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको मैं जू दिखाऊंगा भाई अंदर से, जू कैसा होता है और जू के अंदर जानवर कैसा होता है। ये बोलने का रीज़न मेरा ये है कि हमारा जो कलकत्ता का जू है अलीपुर जू, वो बहुत ही बुरा हाल में था पहले, अभी ये थोड़ा सा कवर हुआ है। पहले तो बहुत बुरा हाल में था, जानवर को सही से खाने भी नहीं मिलते थे मेरे ख्याल से, बट अभी वो ओके कंडीशन में हो गया। बट ये आप यहाँ का टाइगर देखना, एलिफेंट देखना, आप जो भी जानवर देखो, और उनको जो रखने का तरीका, जितना बड़ा स्पेस दिया गया उनको रहने के लिए, वो तो आपका देख करके दिल खुश हो जाएगा। और जानवर वेरी हेल्दी भाई, जू में जो भी जानवर है ना बहुत हेल्दी होते थे। तो हमने लाइक पानी का बॉटल लिया था, बट वो भी अलाउड नहीं है, आपको वो भी जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो आप, चलो तो अभी हम आ गए एंट्री की तरफ, टिकट हमने पहले कर लिया था, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। क्यों? ओ, उसके लिए आ जाओ। भाई हम आ गए अब जू के अंदर, ठीक है। ये जू का एंट्रेंस है सामने, अब देखो बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन लगाया है। हाँ,
अर्श, वेलकम वेलकम टू द जू। नहीं 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 नहीं, आज का टिकट नहीं लगता है, आज का टिकट नहीं लगता, आज का फ्री है। आज अर्श को गिफ्ट मिला है, नो एंट्री। चलो, आई मीन सॉरी, नो एंट्री फी। चलो ये गार्डन बनाया, फ्लावर गार्डन है, बहुत खूबसूरत गार्डन है ये, और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। मैं आपको बाद में इसको करीब से भी ले जाकर दिखाऊंगा, ये बहुत अच्छा मेंटेन होता है। ये उसका पॉइंट है जू का। अब ये हो गया इसका एंजॉयमेंट शुरू, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। अर्श, वेयर योर सनग्लासेस, वेयर इट। अर्श, वेयर योर सनग्लास, वेयर इट। यस यस, वेयर इट। तो भाई अभी ये आ गए हम सेंटर पॉइंट पे। ये आपको मैंने बताई बैटरी कार, जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते हैं उनके लिए ये बैटरी कार वाला सिस्टम है, ठीक है। तो आप बैटरी कार ले सकते हो, यू हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। हमने इस पे भी गए हम, बट इस पे क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। ये ऐसे आपको करेंगे ना कि अब्बास जितना जल्दी हो जाए ये आपको दिखा देते हैं। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, और यहाँ पे ना सारे पॉइंट्स बने हैं। तो ये आपको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ले जाएगा, आप वहाँ पे देख लो, फिर आप वहाँ से कार में बैठ जाओ, फिर तीसरी पॉइंट पे जाओ, वहाँ उतरो, सारा जानवर देख लो, फिर आप कार पे बैठ जाओ। तो ये स्टॉपेज के जैसा एक पॉइंट बनाई हुई है, और वहाँ पे आप उतर के फिर आप वहाँ से आगे कंटिन्यू करो। अभी हम लोग जा रहे हैं एकदम फ्रंट पे, लेफ्ट साइड पे जाते हैं, तो यहाँ आपको पड़ते हैं टाइगर्स। ये चिल्ड्रन पार्क बना दिया बच्चों के लिए, एंजॉय करेंगे बच्चे। काफ़ी बड़ा है भाई चिल्ड्रन पार्क, गुड। आज फर्स्ट वील गो एंड सी टाइगर एंड देन वी कम एंड प्ले हेयर, ओके। कम 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 कम, से हाई टू टाइगर फर्स्ट, ओके। Tiger is waiting for you. Come. Arsh, Tiger is waiting for you, na? There. So we have to go and see the tiger first. Okay? Come. Bhai, ye hai tiger, lion, hyena. Okay? Oh, sorry. Chalo. Then, theek hai bhai. Ab continue to nahi rakhunga main video, nahi to phir maza nahi aayega. Bahut boring ho jayegi. तो आपको जो जो पॉइंट्स है मैं वो दिखाता रहूँगा, ठीक है। ये देखो पार्क बहुत अच्छा, मतलब छोटा भी नहीं बोलूँगा, बड़ा भी नहीं है, बट वेरी गुड पार्क बच्चों के लिए। तो सारे चीज़ें हैं भाई, मज़ा आ जाएगा बच्चे को, स्लाइडिंग्स, झूलना, ठीक है ना, बहुत अच्छा बनाया है इसको। तो अर्श तो मतलब अभी से ही अर्श एकदम वो पार्क में जाने के लिए पागल हो रहा है, बट हम लोग पहले टाइगर देखते हैं फिर पार्क में जाएंगे। यहाँ पे बियर्स है, भालू, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से बाहर है कि अंदर है, आई डोंट नो। हाँ अभी अंदर है, वो थोड़े कभी बाहर होते हैं कभी अंदर होते हैं। तो आ गया अर्श, वेयर आर यू अर्श, सी बियर। और ये देखो लंगूर, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पूरे पार्क में, पूरे जू में है ये। और भाई साहब आप अगर खाना खाते हुए उसको दिख गए, कुछ भी खाते हुए दिख गए, तो वो तो गया आपका, सबसे पहले वो छीनेगा। वो देखो वहाँ पे एक बैठा है बोरा, ठीक है। और ये भालू, बड़ा और हेल्दी है। ये लंगूर बैठ गया,
अभी एक पेड़ पे भी चढ़ा था, काफी बड़ा था वो वाला था। एक देखो, वाह आह बेचारा बहुत नींद आ रहा है इसको, तो ये पूरा अलग ही मजे में है। आह क्या बात, नो डिस्टर्बेंस उसको देखो, आह हिलान देखे। ठीक है, एक देखो यहाँ बैठा है, ये छोटा बच्चा है। ये देखो भाई साहब, ऐसे खुला है, पूरा खुला है। तो खाने पीने का सामान आप सोचना भी मत। अच्छा गुड्डू, सफारी जो है उसका कैसे जाने का है? अच्छा यहाँ पे ना सफारी भी है, आप गाड़ी के अंदर बैठ के जाओगे और गेट्स होते हैं, गेट्स खुलेंगे, उसके अंदर आप इंटर करोगे तो शेर आपको, खुला शेर मिलेगा, आप गाड़ी के अंदर रहोगे। तो ज़ू के अंदर ये फैसिलिटीज भी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ट्रेन भी मैंने देखी थी, तो उसका मुझे नॉलेज नहीं, अभी मैं पता करूँगा। ये देखो आप भालू देखो, काफ़ी हेल्दी भालू है। अभी पानी में अच्छा, ये पूरा पानी में उतर गया। शायद ये मछली ढूंढ रहा होगा, क्योंकि ये लोग मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इनके लिए छोड़ रखा होगा इसमें मछली। मछली है ना बहुत, वही तो बोल रहे हैं। कहाँ है मछली? तो इस पे ऐसे ही मछली छोड़ के रखा, मछली अपने मतलब बढ़ते रहते हैं इसके अंदर, और ये भालू जो है वो लाइव फिश, फ्रेश फिश खाता रहता है। ये उसने पकड़ लिया, एक फिश पकड़ा है उसने, और कैमरा में मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट वो अभी फिश खा रहा है। वो देखो फिश पकड़ा खा रहा है वो। हाँ वो पकड़ लिया, पकड़ के खा लिया फिश को। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या है तो सफारी में अभी 2 घंटा वहाँ पे खड़े होंगे, उसके 15 मिनट के लिए अंदर जाके, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट नहीं तो पहले इधर एक राउंड तो लगाते हैं ना, आ गए तो ऐसे राउंड लगा के निकल जाएंगे। चलो अब इसमें भी शायद भालू है, ये पूरा भालू का ही बना के रखा है। हाँ हाँ ये पूरा भालू का ही है। तो भाई साहब आप देखो सिर्फ भालू को कितनी बड़ी जगह दी गई है, बहुत बड़ा है, आप वीडियो में भी इसको समझ सकते हो। 1, 2, 3 अभी और 4, 5 मतलब इस तरह का इतना ज़्यादा स्पेस दिया है भालू को, ठीक है ना। और आगे में उसका केज है, आगे में उसका केज है, ये है स्लॉथ बियर। ओके स्लॉथ बियर है, अभी इसमें कहाँ है वो दिख नहीं रहा, अंदर होगा। चलो कम अर्श, हर्ष यही करता है हर बार आके, किसी न किसी के कंधे पे चढ़ जाता है, कभी गुड्डू, कभी तौकीर, कभी मैं, और ये इंजॉय करता है इस तरह का। गधा बनते हैं हम लोग, है ना हर्ष? हाँ हाँ है ना। भाई यहाँ पे है लेपर्ड, में आप लिपट, ये देखो ये कार इस तरह से आपको लेके जाती है, और कार आपको ले जा करके जगह जगह पॉइंट पॉइंट आपको दिखाती है। ये देखो सामने ही बैठा है लिपट। आइडिया
जी वेरी हेल्दी तो भाई इसमें जो डिस्टेंस होते हैं ना वो बहुत होते हैं, लाइक जाली लगा देते हैं, फिर बीच में पानी का थोड़ा सा ये होता है वो सेफ रखने के लिए जानवर को भी और इंसान को भी, ठीक है। तो इतना दूर है तो मुझे कैमरा जूम करके लेनी पड़ती है उसको, ठीक है। ये देखो कार ऐसे चलता रहता है, जो आदमी ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये सुविधा, ठीक है। कम अभी अर्श जा रहा है टाइगर देखने के लिए। अच्छा यहाँ का जो टाइगर है ना वेरी फेमस टाइगर है। आगे आपको मिल जाएगा हिरन, अच्छा खासा क्राउड है और ये वेदर भी बहुत अच्छा वेदर है। इस वेदर पे तो भाई आपको बहुत कंफर्टेबल आप घूम सकते हो, ठीक है। ये वेदर में आराम से आप नंदन कनन के लिए, ये सबसे बेस्ट वेदर है। अच्छा यहाँ पे रखा है इन्होंने वाइल्ड डॉग है, ये वाइल्ड डॉग्स है इसमें, शायद अभी सारे पीछे होंगे। कुछ नहीं है इसमें अर्श, अभी कुछ नहीं दिख रहा, वाइल्ड डॉग है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ है नहीं, देखोगे कैसे क्या देखो, और आगे टाइगर है ये देखो आगे ना टाइगर का। हाँ देखो आज हो बिग टाइगर, आज वो देखो वाटर में बैठा है वो, चलो वो देखो वहाँ पे वो देखो वो है ना, देखा भाई साहब ये काफी दूर में बैठा है और झाड़ी बीच में आ जा रही है, तो ये आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो टाइगर को। अभी उसको गर्मी लग रही है जिसकी वजह से वो उसके लिए एक छोटा सा मतलब पाउंड बनाया हुआ है तो उस पर वो बैठा है। काफी बड़ा टाइगर है भाई, काफी बड़ा टाइगर है। खैर अभी इससे और अच्छा हमें दिखेंगे, हम अभी आगे जाएंगे तो इससे भी अच्छा हमें दिखेंगे। चलो यहाँ पे उड़िया में इसको बोलते हैं बागो, हाँ बागो बोलते हैं। ये लिपट कैट है, ओहो ये देखो भाई साहब ये आ गया, ये आ रहा है अभी, देखते हैं कहाँ रुकेगा, वो रुक गया होगा, वो ऐसे जगह में है कि उसको देखना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा, बट भाई साहब उसकी जो साइज है ना वो पीछे चला जा रहा है झाड़ियों में तो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, वो चला गया पीछे भाई, वो देखो वो जा रहा है, देखा आपने
ये चला गया पीछे, तो हम चलते हैं अभी दूसरे टाइगर को। अच्छा आ रहा है, आ रहा आ रहा, अच्छा अच्छा, he's coming, you stand here and see, you can see the tiger, right? हाँ देखो चला गया भाई साहब। ये इतना जूम रख रहा हूँ ना मैं, तो जरा सा भी हाथ और डिसबैलेंस हो रहा, तो लोकेशन चेंज हो जा रही है। वो वॉक कर रहा है, टाइगर इज वॉकिंग नाउ। रे गुड 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 गुड, चलो अब हम लोग देखते हैं आगे, शायद हमें और करीब से टाइगर। तो भाई यहाँ का एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ कनन टाइगर्स। ये टाइग्रेस जो थी खुद से मतलब यहाँ पे एक चंदका जंगल है, और इस जंगल के अंदर में मतलब आपको सारी चीज़ें हाथी शेर सब कुछ मिलते, बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल से वो डायरेक्ट पार्क पे आ गई थी। तो यहाँ पे जो पार्क का वॉल पड़ता ना, एक साइड का वॉल, उस पे उसके पीछे पूरे जंगल है। तो ये उस जंगल के अंदर से आ गई थी पार्क में, और ये खुद यहाँ रह गई थी। अब ये टाइगर नहीं रही, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना। आप देख सकते हो, डेथ ऑन 21 जुलाई 1978, शी केम हेयर ऑन 1967। तो ये उसका एक पुतला बना दिया गया। यस पापा, हाँ तो भाई साहब बहुत बड़ा है, ठीक है, आप घूमते घूमते थक जाओगे, बट मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप जो देखने आए हो ना पार्क में, तो वो आपको बेस्ट दिखेगा। ये देखो, एक दिखा मुझे वाइट टाइगर, ये वाइट टाइगर है। आर यू सी वाइट टाइगर? हाँ, इट्स लेइंग देयर स्लीपिंग ना। ये देखो भाई, वाइट टाइगर है, ये अभी आराम कर रहा है। और टाइगर यू नो, आप लोगों को पता है कि बस वो आराम ही करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, चलिए अभी आपको आगे भी दिखाता हूँ। यू वॉन्ट टू सी क्रोकोडाइल? चलो लेट्स गो, लेट्स गो अर्श। अच्छा इनका नाम देखो क्या है भाई, नहीं नहीं ये डोनेटर होंगे जो। अच्छा ये है जैकल, क्या है क्रोकोडाइल नहीं है अर्श, ये जैकल है, जैकल। आओ 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 आओ, वो जैकल है शायद, देखें। अच्छा वहाँ पे एक और है, एक और है वो लेटा हुआ वहाँ। चलो ये अब हम लोग कुछ दूसरी चीज देखते हैं आज, लेट्स गो। भाई साहब 10 मिनट भी नहीं हुआ इन लोग का ब्रेक चालू, सब थक गया 10 मिनट। अब हम लोग देखते हैं आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हम लोग आए लायन देखने के लिए, बट लायन को तो हम लोग को देखना था ना, हम लोग देखने आए लायन को, लायन हम लोग को नहीं देखने आया, इसलिए वो अपना आराम कर रहा। भाई साहब ये देखो, लायन और लायनेस है, इतना दूर है ना, बहुत ज़्यादा दूर है ये, तो वो पिक्चर्स में भी क्लियर नहीं आ रहे, तो थोड़ी बहुत दिखती होगी। अभी वो लोग सो रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं। ज़ू में इसी तरह होता है भाई, कुछ जानवर आपको दिखेंगे करीब से, कुछ नहीं दिखते हैं, कुछ अपने केव के अंदर रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ सो रहे होते हैं किसी कॉर्नर में। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ठीक है, आपको जो दिखा वो दिखा, बट दिखता है, एटलीस्ट तो दिखता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ,
यहाँ पे था एक लायन, ठीक है, अफ्रीकन लायन, और इसको इन्होंने ढांक दी है। इसके अंदर था, आप देखो, एक लायन या एक पेयर ऑफ लायन जो होते हैं उनको आप देखो कितना बड़ा स्पेस देते रहने के लिए। तो ये अफ्रीकन लायन यहाँ था, शायद ये मर चुका है तो इसको ढांक दिया, या कहीं शिफ्टिंग हुआ होगा इसका, किसी दूसरे जू को दिया गया, जू में एक्सचेंजेस भी चलते हैं, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। तो हम लोग अभी आगे का तरफ चलते, नहीं इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लायन गया अभी छुट्टी में, उसका हॉलीडे है, जैसे तुम्हारा हॉलीडे है उसका भी हॉलीडे है, तो घूमने गया है अभी लायन हॉलीडे में। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ और जानवर। बहुत बड़ा है अभी, अभी तो शुरू हुई है, जस्ट स्टार्टेड, बहुत ही बड़ा है। भाई साहब ये देखो टाइगर, ये आ रहा है सामने, बहुत बड़ा, बहुत भाई, बहुत बड़ा टाइगर। हाथ भी मारेगा ना, अपने पंजा ही मारेगा, हम लोग खत्म है, वहीं खत्म। क्राउड देखो, इतना भीड़ है, बहुत लोग आए हुए अंदर। आप उसका आवाज सुन सकते हो कैसे गरज रहा है। ये शेर है, ये आवाज या भौंकते नहीं है, गरजते है। ये चला गया अंदर, अब हम चलते हैं दूसरा, देखते हैं, चलो आगे चलो, अभी और भी बहुत सारे हैं भाई। मुझे यहाँ का जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ना, वो आया है एलिफेंट का, जहाँ इन्होंने एलिफेंट को रखा हुआ है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। ये देखो कैसे ऊपर उठ रहा है, ये देखो भाई साहब, ये है टाइगर, खुद 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 भाई। सॉरी, मैं मेरा पेट को भी लेके हूँ, तो वो ज़रा सा उसके तरफ ध्यान हो रहा ना, तो कैमरा मेरे हाथ से हिल जा रही है और फिर वो दिख नहीं रहा बाघ, और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके रखा है, तो ज़रा भी हाथ हिलता है तो वो एकदम से डिस्प्लेस हो जाता है। वो ऊपर की तरफ गया, वापस आ रहा है, वो गया 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 गया, टाइगर देखो, वो अभी रेस्ट कर रहा है, वॉक कर रहा है। हाँ हाँ देखो, अभी वो वॉक कर रहा है, इस तरफ आ रहा है टाइगर देखो। चलो अब हम लोग दूसरा कुछ देखते हैं। बहुत टाइगर ने आप लोग भाई, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि लाइन से टाइगर का है, इसके अंदर भी टाइगर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी हम टाइगर देखेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी या ओ वाह 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 वाह, बहुत ही बड़ा है भाई साहब, ये भी इसी तरफ से करीब आ रहा है। ये देखो, ये सामने से आ रहा है।
ये भी वॉक कर रहा है, ये लोग अभी वॉक कर रहे हैं। चलो हाँ चलो चलो भाई, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू अदर डेज। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये बेस्ट क्लाइमेट है इसको देखने के लिए। जी हाँ ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ कुछ नहीं है, टाइगर का ही है ये भी, बट इसमें टाइगर नहीं, शायद पीछे बैठे होंगे कैमरा में आएगा भी। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे आगे क्या क्या है। ठीक है भाई साहब, ये लाइन देखो, ये लाइन जो है, मैंने आपको बताया ना कि हर जगह स्टॉप होती है वो बैटरी कार के लिए, तो यहाँ पे बैटरी कार आके रुकेंगी, ये लोग उस पर बैठेंगे फिर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। तो मुझे नहीं पसंद आई, ठीक है मुझे वो पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। आप वॉक करके जितने अच्छे से घूम सकते हो वैसे उसमें नहीं होती, वो अपना मनमानी कर देते हैं, आपको बता देते हैं यहाँ आगे चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, बस जैसे भी करके वो घुमा देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसमें वॉक करके। मेरा जितना मर्जी, जितना जो देखना है मैं अपनी मर्जी से देखूँगा। ये है एलिफेंट का, ठीक है अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। भाई देखना इतना बड़ा जगह है ना एलिफेंट के लिए, कि हमारा तो पूरा जू जो अलीपुर जू है ना कलकत्ता का, शायद उसके अंदर आ जाएगा, बहुत बड़ा जगह है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो एलिफेंट वॉज वेरी हेल्दी, अभी मुझे पता नहीं है, मैं एक साल बाद आ रहा हूँ तो देखते हैं चल के कैसा क्या है। आइए तो भाई अभी हम पहुँच गए हाथी बाड़ी, ठीक है यहाँ पे एलिफेंट रहते हैं इसमें। ये इसका एरिया देखो आप, कितना बड़ा एरिया लेके बनाया। कम 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 मार्च कम कम, यू वांट टू सी एलिफेंट राइट, सी हाउ बिग एलिफेंट इनसाइड। वाओ भाई साहब रैली में, अभी मुझे तो दिख गया एलिफेंट। ये देखो, ये देखो बच्चा है उसका, सामने मत जाओ आज, सामने नहीं जाओ, उसका छोटा बच्चा है। ये देखो भाई बच्चे को लेके बैठा है, छोटा सा क्यूट बच्चा है उसका। ओ भाई साहब पूरे पेड़ में वो बच्चा लेके बैठा है, उधर वो एक बच्चा लेके है, पूरे पेड़ में है, तो उनसे दूर रहना अच्छा। सॉरी सी यू सी एलिफेंट अर्श, भाई अर्श के चक्कर में ना मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं आया भी हूँ अर्श के लिए इधर। तो एक मिनट भाई साहब, ये देखो अभी इन लोग, एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप है ठंडे के टाइम पे भी, सर्दी में इतना धूप है यहाँ पे, तो अभी इसको इन लोगों ने अंदर की तरफ रखा है। तीन है मेरे ख्याल से, एक मेल फीमेल है और एक बच्चा है, बीच में जो है वो शायद बच्चा है। अब जगह देखो इनको कितना बड़ा एरिया दिया है, पानी दिया है खेलने के लिए, पूरी जंगल की तरह, पूरा जंगल की तरह इनके लिए बनाई है। ठीक है चलो अब हम चलते हैं दूसरा कुछ देखने। तो भाई साहब मेरा बताते बताते ही यहाँ कांड हो गया, एक लड़की का फ़ोन लेके भाग गया बंदर,
और वो परेशान हो रही है कहाँ गया गायब हो गया लेके। ठीक है, अब बाद में चलो उनको भी ज़रूरत होती है भाई साहब, वो भी अब एंड्रॉयड का ज़माना है iOS, तो ये लोग अब थोड़ा गेम वेम पबजी वगैरह वो भी खेलेगा, बैठ के वीडियोस देखते बोर हो जाते हैं ना, शाम तक लोग रहते हैं यहाँ पे तो ठीक है, उसके बाद वो भी बोर होते तो थोड़े रात में वीडियोस देखेंगे बैठ के, शॉर्ट्स देखेंगे। ठीक है चलो उनका भी टाइम पास होगा, मज़ा आ गया। अब मेरा यही, अगर मेरा चला जाए तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे तो। चलो भाभी का हो गया हालत ख़राब, अब भाभी बहाना कर रही है अब कि तुम लोग आए नहीं थे इसलिए बैठती हूँ मैं। ये एक नया शर्ट बना रहे हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए, पर बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। ये शायद मुझे लग रहा है कोई चिंपैंजी के लिए होगा, ये शायद चिंपैंजी के लिए होगा जो जिस हिसाब से ये बना रहे हैं ना शायद, बट ये बहुत खूबसूरत बन रहा है। इसमें हट बनाया है, छोटे छोटे से ये दिए हैं, घर है पीछे, केज है काफी बड़ा, और पता नहीं क्या है बट अच्छा बनाया है। ये शेड्स है बैठने के लिए, आप गर्मी में आओ धूप से बचने के लिए इस पे बैठो। अच्छा अभी यहाँ से हो जाएगा राइट इज एग्जिट एंड यहाँ पे वाइट टाइगर सफारी के लिए है, ये है सफारी का गेट। भाई साहब इस गेट से हम बहुत लेट से आए हैं, ऑलमोस्ट 3 से ज़्यादा हो गया अभी, हम थोड़े से लेट लतीफ़ है, यहाँ पे जाने के लिए आपको सुबह आने पड़ती है। तो ये गेट है सफारी का, ये एक गेट, इसके पीछे एक गेट होती है, तो गाड़ी जब एंटर कर जाती है ये गेट बंद हो जाता है, फिर अंदर जब जाती है गाड़ी तो दूसरे गेट, आपको यहाँ पे लाइव जानवर देखने खुले हुए होंगे जानवर, ठीक है ना, जानवर खुले हुए दिखेंगे आपको, वो खुले में घूमते हैं और हम उसमें केज में होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं हम। ठीक है, अभी हमने एक साइड देख ली है पार्क का, अब हमें जाना है दूसरी साइड जहाँ पे आपको पंछी और स्नेक्स वगैरह दिखेंगे, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम उस तरफ चलते हैं अभी। तो भाई साहब ये है जिराफ का, ठीक है अभी हम जा रहे हैं जिराफ देखने के लिए, ये भाई बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, पता नहीं क्या है ये, अब अगली बार आऊँगा तो ही पता चलेगा मुझे। अब देखो ये बैटरी कार में कैसे लाइन से सब जाते रहते हैं। ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया कि जिनको थोड़ी सी चलने में तकलीफ़ होती है उनके लिए ये ठीक है, जो खुद चल के इंजॉय कर सकते हो फिट है वो लोग तो खुद चल के देख लेंगे। भाई ये जिराफ है, चलो भाई चलो, अभी थोड़ा सा ना रेस्टोरेंट पे अंदर कैंटीन टाइप रेस्टोरेंट है तो वहाँ जाके बैठते हैं, कुछ जूस वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, थक गए हम। ठीक है, तो ये देखिए ये कार यहाँ पे वेटिंग चलती है, यहाँ पे वेटिंग है कार के लिए, वेलकम टू नंदनकन सफारी। ठीक है, टाइगर लायन स्लॉट बियर एंड हर्बी वर्स, तो यहाँ पे आपको क्या भाई साहब खुले हैं, अच्छा 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 अच्छा, चलो 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 हम देखते हैं। मैडम थोड़ा बैग को थोड़ा जबरदस्त पकड़ के जाइए, क्यों बंदर है ना, कुछ खाने का चीज सोच के छीन के ले जाए। टिकट आगे आगे। तो भाई साहब सफारी खुला है, सॉरी मैंने सोचा था बंद हो गया, कुछ लोग कह रहे थे तो, बट बंद नहीं हुआ है सफारी टिकट काउंटर। हम चलते हैं एक बार एक्सपीरियंस करते हैं कि ये सफारी क्या है। ठीक है ना, तो मुझे नहीं पता ये मतलब
बहुत अच्छा है या ओके ओके है, आई डोंट नो। और इस पे पता नहीं कितने देर लाइन लगाना पड़े, कैसा होगा, बट एक मैंने यही कहा ना, एक बार एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इधर कहाँ टिकट है, उधर तो भाई चलते हैं टिकट के लिए। अच्छा, टिकट करने के बाद आपको उधर लाइन लगानी होगी, ठीक है ना, सफारी एसी क्यू, ओके ठीक है, वो एसी के लिए है और पता नहीं नॉर्मल के लिए क्या क्यू होगा, देखते हैं। ये बनाया इन्होंने टिकट काउंटर, तो भाई साहब, तो भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा लाइन है, बहुत ज़्यादा है लाइन भाई। तो क्या करें, अभी हम जाएं कि नहीं जाएं? ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा वीडियो होल्ड करता हूँ, लाइन इतना ज़्यादा है, पहले मैं देखता हूँ इसको, ठीक है। तो भाई साहब हमने डिसाइड किया हम नहीं जा रहे हैं, आप लाइन देख लो भाई, इतने लाइन, और अभी 3:30 बज रहा है, तो मुझे लगता है इस लाइन में ही खड़े होने में आधा घंटा, फिर उस लाइन पे जो क्यू है जाने के लिए गाड़ी का, वहाँ खड़े होने में आधा घंटा, पॉइंट कोई फ़ायदा है नहीं जाने का, ठीक है। हम चलते हैं नॉर्मली घूमते हैं, फिर किसी दिन सफारी टूर करेंगे, ठीक है ना, सफारी टूर हम फिर किसी और दिन करेंगे, फिलहाल आज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, तो रहने देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, हम उस तरफ चलते हैं और वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वेस्ट टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा भाई, और हम देख भी नहीं पाएंगे जब हम अंदर जाएंगे, तो जैसे कि ये ठंडा का टाइम है, सर्दी है ना, तो सर्दी के टाइम पर क्या होगा कि अंधेरा जल्दी हो जाएगा, अब अंधेरे के में आप क्या जानवर देख पाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये देखो आप लाइन, अभी मैंने आपको दिखाई है, बहुत ज़्यादा लाइन है, कोई फ़ायदा नहीं है, चलते हम देखते हैं। भाई अगर आप जब जाते हो ना, आप सफारी के लिए जाते हो, तो ये देखो ये यहाँ से सफारी का एंट्री है, ठीक है, यहाँ से कार आती है आपको लेकर के, वो जाएगा वहाँ पे, आपने वो देखा, ये मेन एंट्रेंस है उसका, ये एक देखो गाड़ी आ रही है, अभी एक गेट खुला, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो एक बस आ रही है उसके अंदर से, ये पहला पिछला डोर क्लोज हुआ, बीच में आके गाड़ी रुक गया, ठीक है ना, मैं बहुत दूर हूँ उससे, तो मैं आपको वैसे इतना क्लियर नहीं दिखा सकता, ठीक है। ये अब दूसरा डोर ओपन हुआ, ये देखो ये डोर ओपन हुआ, और इसमें से बस निकल के आएगी, अभी ये आ गई बस, तो ये सेफ्टी के लिए होती है डबल डोर, हाँ ये आ गया बस, ये देखो ये आ गया बस, ठीक है, सर्विस सफारी सर्विस ऑफ नंदनकन, अब यहाँ पे भी है, ठीक है ना, एक जगह होकर के अब वो दूसरी जगह लेके जा रहा वही बस, ठीक है, अब वो दूसरी जगह में दूसरी जानवर, इसके अंदर काफ़ी जानवर है, लायन है, ये टाइगर सफारी था, तो इसके अंदर टाइगर सफारी में गए, अब वो निकला, अब दूसरी जगह गया, ऐसे तीसरी जगह चौथे जगह, मतलब काफ़ी काफ़ी बड़ा है, तो ये पूरा वैसे आपको विज़िट कराता है, ठीक है। तो भाई साहब हमने एट लास्ट डिसीजन ये लिया कि हम जाएंगे सफारी में, ठीक है, तो लाइन हमने लगा ली है, काफ़ी लंबा लाइन है, पर ठीक है, थोड़ा सा मज़ा के लिए थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना ही पड़ती है, और देखते हैं। अच्छा यहाँ पे दो लाइन लगते हैं, एक वो लाइन है
नॉन एसी बस के लिए, ठीक है, और ये एक लाइन है एसी बस के लिए। नॉन एसी का जो चार्ज है वो 65 है और एसी का जो चार्ज है वो 100 rupees है पर पर्सन, 100 rupees पर पर्सन फॉर एसी बस। बट अभी जिस वेदर पे हम लोग है हार्डली मैटर करता है एसी नॉन एसी, बट हमने एसी का ही लिया है तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जब बस आएगा तो मैं फिर आप लोगों को कंटिन्यू करूंगा वीडियो को। भाई देखो ये आ गया बस, ठीक है, ये छोटी वाली एग्जीक्यूटिव बस है, मतलब एसी बस है ये बस। अभी फिर इस पे पैसेंजर उतरेंगे और दूसरे पैसेंजर चढ़ेंगे। अभी हमें तो बहुत टाइम लगने वाला है।